कहाँ से आए हो जी? भैया मैं गोवर्धन तहसील से। गोवर्धन तहसील यानी मथुरा से आए हैं। हाँ जी। कौन से बैच में दौड़े थे आप? बैच ना भैया मैं आधार कार्ड की फॉर्म निकाल दिया। अच्छा, क्या कमी थी भैया आधार कार्ड में? अपडेटिंग हुआ मेरा 2-3 में। अच्छा, यानी कि कितनी भर्ती अभी तक देख चुके हैं? भर्ती में पहली बार देख चुके हूँ 2-3। हाँ, दोबारा करेक्शन कराया। यानी कि 3 बार तो पहले कागजों से देख ली। क्या रिजल्ट रहा उनका? एक आध बार रनिंग क्वालिफाई की? कितनी बार? एक बार। उसके बाद सिलेक्शन कैसे नहीं हो पाया, क्या कमी रही? कैंसिल। अच्छा, जो एग्जाम जो होना था आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद 2 बार और देखी, रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर दूसरी बार हाई स्कूल की, फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की आ पाए। उन्हें कैसे पता चला, कैसे डाउट हुआ? मैंने कहा है ओटीपी देख रहे ना डार के। अच्छा, एंट्री से पहले ही? एंट्री से पहले। एंट्री के समय जैसे कि आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, ये आपका देखा, उसके बाद आप पर डाउट हुआ? आप डाउट मोप ना, करीबन 150-200 बंदे। लगभग 200 बंदे अलग छांटी दर्द दिए अलग, बिना डॉक्यूमेंट देखे। अच्छा, पहले ही? पहले, मतलब उन्हें शक हुआ, थोड़ी सी एज ज़्यादा लगी तो वो अलग कर लिए। फिर उसके बाद आधार कार्ड के नंबर डाल के ओटीपी मांगा। अगर किसी बच्चे पर मोबाइल नंबर, वो वाला जो ओटीपी आता, वो वाला मोबाइल है ही नहीं, तो फिर कैसे? बाहर है वो। अच्छा, अगर किसी के पास अगर ओटीपी कोई नहीं बता पा रहा है तो उसको दौड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आपके पास था वो वाला नंबर? मोबाइल नंबर था, मैंने दे दिया। आपने ओटीपी बता दिया, सारी डिटेल खुल के आ गई। मारपीट की या वैसे ही? नहीं, प्यार से समझा दीजिए। क्या क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने प्यार से समझ लिया वहाँ जाके तुम और पिटाई होती तुम्हारी। अच्छा, तो जो अभ्यर्थी आपको बताइए, अभी 2-3 दिन और चलेगी भर्ती, तो लोकल की अब यहाँ से आगे भर्ती होनी है। लोकल के बंदे ज़्यादा थोड़े से चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जो दूसरी बार हाई स्कूल करके जिन्होंने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था? आर्मी वाले पहले तो 7-8-9 3 मार्क्स मैंने मांगे थे मार्क्स। अच्छा, अगर जिन्हें डाउट होता है भैया, दूसरी बार हाई स्कूल कर गया है ना, बिल्कुल लटपट गया ऐसी नहीं, ये भैया छोड़ दे होंगे तो 7। अच्छा, जैसे भैया 7th, 8th और 9th की अगर किसी पे मार्कशीट है, 6th, 7th, 8th की, और उन्हें डाउट लग रहा है, अगर वो दिखा देता है तो फिर उसको दौड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन ओटीपी भी फिर भी बार जाएगा। ओटीपी तो जरूर देखेंगे। जो भी करेक्शन है उसकी, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, एक बार से ज़्यादा है तो बार ही है। तो मतलब आपका क्या कहना है, वो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए दूसरी बार हाई स्कूल वाले या ना आए? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा ना, काम में हम लोग खराब आ रहे हैं। जैसे आपके साथ तो चलो मारपीट नहीं हुई, बाकी आप बता रहे लगभग 150-200 अभ्यर्थी थे ऐसे, तो किसी के साथ तो हुई होगी मारपीट? अच्छा, चतुर मान के मेरा सब कुछ ठीक है, तो वहाँ देखा उसका आधार कार्ड का ओटीपी लिया, देखा 3-4 करेक्शन थे, बुरी तरीका ज्यादा पिटाई की, पर उन्होंने हाथ खड़े करा के पूछे, और किसी के में करेक्शन हो तो हाथ खड़े कर सकते हो, अभी बच सकते हो। तो कुछ बच्चे थे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, तो ठीक है आप जा सकते हो। अच्छा, जिन्होंने पूरी ईमानदारी का परिचय देते हुए खुद से ही बता दिया, उन्हें चुपचाप जाने दिया, और जो चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे वो पकड़े गए, फिर उसके बाद मार उनको सजा मिली है ना। तो भैया अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भर्ती देखने का, अग्निवीर भर्ती। अब प्लान भी क्या है आपका? प्लान का चुना है, पुलिस पुलिस की तैयारी करेंगे। पुलिस की तैयारी। डेट ऑफ बर्थ वैसे है, पहले वाले डॉक्यूमेंट्स में क्या है? पहले वाले में 2 2002। आप कितनी करा लिए? 5 करा। सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके नए वाले कागजों से हो गए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।